डंकी भाई, डंकी मूवी अगर वन वर्ड में रिव्यू करूँ ना, ब्लू एवरेज मूवी। मूवी में कुछ है नहीं, मतलब कि ये राजकुमार हिरानी की मूवी लग ही नहीं रहा। मतलब कि यार राजकुमार हिरानी की मूवी जितने भी आप उठा के देख लो, संजू 3 इडियट, मुन्ना भाई, सब में कॉमेडी इमोशन डालते हैं वो हमेशा। लेकिन डंकी की फर्स्ट हाफ में बात करें तो यार डंकी में फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से उन्होंने कॉमेडी डाला है ना, मतलब कि हंसने को आता ही नहीं, मतलब कि आपको हंसी आता ही नहीं है। 1-2-3 जोक्स ऐसे हैं जहाँ पे हंसने को मिलता है। शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान का जब एंट्री होती है, ओके एंट्री है, ये नहीं बोलूँगा वाव है, लेकिन शाहरुख खान के लुक्स जो फ्लैशबैक में मूवी को लेके जाती है, तो फ्लैशबैक में जो शाहरुख खान का लुक दिखाया है ना, वो कहीं ना कहीं जीरो और फैन वाली वाइब आती है। तो इस बार ना राजकुमार हिरानी कहीं ना कहीं फेल हो गए अपनी वो छाप छोड़ने में, जो डायरेक्शन छोड़ते थे हमेशा से। देखो शाहरुख खान की एंट्री अभी एक्शन मूवी तो नहीं है कि उनका एंट्री ज़बरदस्त होगा, ओके ओके एंट्री है, कोई खास एंट्री भी नहीं है। अगर बाकी के सब स्टार कास्ट देखे तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने तापसी पन्नू को क्यों लिया। यार शाहरुख खान की केमिस्ट्री तापसी पन्नू के साथ अच्छा लग ही नहीं रहा है, 1% भी अच्छा नहीं है। कोई और दूसरी एक्ट्रेस को ले लेते तो थोड़ा जम भी जाती है, लेकिन यार ये क्या था। फिर उसके बाद विक्की कौशल की बात करें तो विक्की कौशल का भी काम उन्होंने ज़्यादा नहीं किया, वेस्ट किया। फिर बोमन ईरानी है, उनको भी वेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं मूवी डामर डोर है, पब्लिक को पसंद नहीं आ रही। यार मेरे को तो लग रहा था कि उठ के भाग जाऊँ। देखो अभी भी मूवी ख़त्म होने में 10 से 15 मिनट बाकी है। कॉमेडी कुछ नहीं है भाई, कॉमेडी के नाम पे इन्होंने चुतिया काटा है। क्या कॉमेडी है, इन्होंने जो स्टार कास्ट जो इन्होंने सेलेक्ट किया ना, स्टार कास्ट में दम नहीं है। विक्की कौशल, बोमन ईरानी, शाहरुख खान को छोड़ के बाकी जितने स्टार कास्ट में दम नहीं है भाई। वो लोगों के लिए क्यों जाएगी पब्लिक थिएटर में। क्या डायरेक्शन, मतलब कि राजू हिरानी के जो डायरेक्शन होता था इस बार मिसिंग है। वो जो उन्होंने 3 इडियट बनाया, मुन्ना भाई भाई, वो सब मतलब कि यार रिपीट वैल्यू मूवी है, आप रिपीट में देखते हो सब फिल्में, लेकिन यहाँ पे रिपीट वैल्यू नहीं है। आप एक टाइम में ही आप बोर होने लगते हो। फर्स्ट टाइम में तो यार सुला के रख दे पैसा वसूल, यार ऐसा लग रहा है कि मुझे ना यार फंड दो, वापस दो मुझे पैसा, मुझे ऐसा लग रहा पैसे। तो क्या कुछ नहीं है ट्विस्ट, मतलब कि देख लो आप उनके पीके में ट्विस्ट, 3 इडियट में ट्विस्ट, यहाँ पे कुछ ट्विस्ट नहीं है भाई। बस उन लोगों को थोड़ा सा उम्र दराज दिखा दिया है, मतलब कि बूढ़े हो गए, बस वही है। क्या तुम स्टार यार, शाहरुख खान सुपर स्टार हैं, बाकी मूवी के लिए तो यार मैं 2 स्टार दूंगा। थैंक यू। अच्छा लगा, आप रो रहे क्यों? मतलब से रो, मैं बोल नहीं पा रहा है कुछ। क्यों? ये अच्छा लगा पिक्चर, अच्छा है, 1 नंबर का पिक्चर है। अच्छा, एक नंबर, सब विक्की कौशल का, शाहरुख खान का, सबका काम अच्छा लगा, 1 नंबर का पिक्चर है। हाँ, लास्ट में बीच में बहुत इमोशनल है, थोड़ा एक्शन भी है, रोमांटिक है, कॉमेडी है, सब कुछ है, 1 नंबर का पिक्चर है। सॉन्ग तो 1 नंबर, अभी 2023 में जितना भी सब सॉन्ग आया ना, सबसे पिक्चर में सॉन्ग अच्छा है, पूरा कंटिन्यू 4-5 सॉन्ग है, एकदम फर्स्ट क्लास 1 नंबर सॉन्ग है। हाँ, सब सब पूरा 1 नंबर, एकदम 1 नंबर। हाँ, सबका रोल एकदम परफेक्ट, 1 नंबर रोल, कॉमेडी, रोमांटिक, इमोशन, सब कुछ है, पूरा टोटल, सब टोटल है, एकदम अच्छा है, 1 नंबर। राजू हिरानी का तो 1 नंबर, उसका तो डायरेक्ट 5-5। अच्छी, सबका काम अच्छा है, शाहरुख, हाँ हाँ, सब। तापसी को भी काफ़ी स्पेस मिला है, शाहरुख जितना ही, और दोनों का काम बहुत अच्छा है, सबकी एक्टिंग अच्छी है। बोमन ईरानी का शॉर्ट रोल है लेकिन अच्छा है। शाहरुख खान की एंट्री अच्छी है, वैसी ग्रैंड एंट्री नहीं है बट अच्छी है। ओवरऑल फिल्म काफ़ी अच्छी है, और फिल्म के कई सारे पार्ट्स हैं जो काफ़ी टच करते हैं। हालांकि हिरानी की पास फिल्मों के कंपैरिजन में उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने पास में इतना अच्छा काम किया है कि अभी इसको उससे कंपेयर करना ठीक नहीं, अदरवाइज फिल्म अच्छी। आउट ऑफ 5, 4। 4 इसलिए बिकॉज एक मार्क कटेगा हिरानी के रिकॉर्ड को देखते हुए, फिल्म उस लेवल की नहीं है। केवल बहुत बढ़िया थी, सबका ही बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया है। और आप जब जाओगे तो बहुत, मतलब बहुत सस्पेंस है इसमें, लास्ट में स्टोरी में। सबसे बेस्ट तो शाहरुख खान का ही लगा, फिर उसके बाद राजकुमार हिरानी का डायरेक्टिंग और स्टोरी सब बहुत अमेजिंग था। सबसे बेस्ट सीन तो मतलब
जब डंकी करते जब जाते हैं यहाँ से इंडिया से तो 3-4 जगह ट्रेवल करते हैं उन लोग, तो वो सबसे बड़े पैसे लगे, बहुत ज़्यादा पैसे वसूले, बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया, सुपर हिट, एकदम अमेजिंग, सब चीज़ अच्छी थी। 5 to 5 मौसल का कम 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 समझ। मूवी इज सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, दिस विल बी द थर्ड 500 करोड़ ऑफ शाहरुख खान। धमकी धमाल मचेंगी, फर्स्ट हाफ इज सुपर कॉमेडी, सेकेंड हाफ इज इमोशनल एंड कॉमेडी मिक्स। शाहरुख खान की एंट्री तो ऑब्वियसली एज ऑलवेज भागते हुए एंट्री थी भाई की, सुपर। मूवी में सारे कैरेक्टर्स जैसे राजकुमार हिरानी की पिक्चर में होते हैं, सारे कैरेक्टर्स का एक अपना रोल्स होता है, सबको एक इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ये मूवी में भी सेम है, सारे कैरेक्टर्स को एक अलग रोल दिया हुआ है और सबके रोल एक दूसरे के रोल से जुड़े हुए हैं, और सारे के मतलब विकी कौशल ऑब्वियसली स्मॉल रोल बट पावरफुल रोल। डायरेक्शन ऑब्वियसली राजकुमार हिरानी, 5 स्टार फॉर डायरेक्शन, 5 out of 5। सब कुछ है फर्स्ट हाफ के अंदर, तो वही है फर्स्ट हाफ के अंदर नॉर्मली ऐसा है कि तुमको पूरी कॉमेडी देखने मिलेगी, सेकेंड हाफ के अंदर तुम्हारा हार्ट सॉफ्ट हार्ट है तो तुम मूवी देख सकते हो, बाकी उसके अंदर पूरी स्क्रिप्ट के ऊपर मूवी है, जो इमोशनल दिया है मूवी के अंदर जितनी चीज़ें दी है, एंड में भी कॉमेडी है, स्टार्ट में भी कॉमेडी है, खाली लास्ट जो है सेकेंड हाफ जो है वो मूवी देखने के लायक की है, बहुत अच्छी। फर्स्ट हाफ के अंदर सिर्फ हंसना ही है आपको, बाकी सेकेंड हाफ के अंदर आपको नॉर्मली एकदम सीरियस मोड के अंदर मूवी देखनी है, 100% मचाएगी, 100% वसूल है भाई, सस्पेंस है ना एंड तक के। मे बी एंड होने से 10-15 मिनट पहला जो सस्पेंस दिया वो बहुत फाइनल है, नेक्स्ट लेवल है, और ऑफ कोर्स शाहरुख खान स्टार इतना बड़ा फेस है तो उस वजह से तो मूवी चलनी है। विकी कौशल का एक इमोशनल सीन दिया गया है उसके अंदर, मूवी के अंदर भी खोल नहीं सकते वो बात को, बाकी विकी कौशल का एक नॉर्मल बहुत सैड सीन दिया गया है फर्स्ट हाफ में, कॉमेडी के अंदर उसको सैड के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, बाकी अच्छी मूवी है, चलेगी। आउट ऑफ 5 में से मे बी 4 point something।